गृह मंत्रालय का एक नया आदेश आया है कि कोई भी अब मजदूर, प्रवासी मजदूर सड़कों पर चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। राज्य सरकार उनको फौरन बस और ट्रेन का इंतजाम करें, लेकिन आदेश आने के बाद भी अभी उसका पालन सड़कों पर इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा। मजदूर लगातार सड़कों पर चल रहे हैं। ये सुबह सुबह की बात है, कोई बिहार कोई झारखंड की तरफ निकल चुका है, हालांकि जानकारी इन तक अभी नहीं पहुंच पाई। बात करते आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर ऑफिस जा रहे हैं। तो कई ऐसे मजदूर अभी मिले हैं, देखिए सामने कुछ लोग जो हैं सड़क पर बैठ कर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई साधन मिल जाए, या फिर कोई दूसरी जो पीछे उनके साथी आ रहे हैं उनके साथ वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो लगातार पैदल चलते हुए अपने राज्य, अपने गांव, अपने घर पहुंचने की जो कोशिश है वो अभी भी जारी है। हालांकि कल जो है एक ऐसा आदेश आया है जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस बात के निर्देश दिए हैं, चिट्ठी लिखी है, पत्र लिख के बताया है कि कोई भी राज्य जो है ये इस बात को सुनिश्चित करें, सभी राज्य की मजदूर सड़कों पर इस तरीके से पैदल चलते हुए दिखाई न दें, उनको जाने की व्यवस्था बसों से की जाए, ट्रेन जो चलाई जा रही है उनमें उनकी जाने की व्यवस्था की जाए। लेकिन ये चूँकि कम्युनिकेशन ना होने पाने की वजह से ये ऐसा लग रहा है कि नीचे तक बात पहुँच नहीं पा रही है। और लगातार ये हम देख रहे हैं कि ये हाईवे है दिल्ली यूपी NH-24, जहाँ से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक लोग पैदल यात्रा करने के लिए अभी भी मजबूर हैं, अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन में टिकट नहीं मिल पा रही है, बसों का इंतजाम अगर हुआ भी है तो इनको इस बात की जानकारी नहीं है। और ये स्थिति अभी इस वक्त है, लगातार लोग पैदल जाने के लिए मजबूर हैं। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, News 24 दिल्ली।